तो फिर स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कहे तो स्वास्थ्य कर्मचारी की यहाँ पे विभिन्न अलग अलग पदों पर भर्ती निकली है। दोस्तों यहाँ पर अच्छी खबर दोस्तों आपको बता दें कि 9563 भर्ती निकली है टोटल। इस बार आपको बता दें कि पहली बार एक साथ बड़ी भर्ती निकली है। जो योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे बारहवीं पास अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, तो जल्दी उसको आप ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको इसमें बताऊँगा इसमें कोई भी फॉर्म फीस में नहीं लग रहा है। आपको बता दें कि इसमें आपका जो कब से इसका अप्लाई है, कब से इसका लास्ट डेट है, क्वालिफिकेशन क्या है और कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत ही यहाँ पे मुश्किल के बाद मैं आपको यहाँ पे पूरे न्यूज़ यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि अलग अलग यहाँ पे न्यूज़ है जो कि मैं आपको लाया हूँ। इस बार जिला स्तर पर होंगे और आपको बता दें कि सैलरी हर महीने 12,000 से लेके 20,000 तक है। तो क्या है इस बार जिला स्तर पर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल के साथ यहाँ पे मैं रिसर्च करके यहाँ पे न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे हाँ जोड़कर विनती है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आप लोग क्या करते क्या है कि आप वीडियो देखते नहीं है और बीच में ही कमेंट कर देते कि ये क्या है वो क्या है। तो आप पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। मैं आपको पूरा कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो भास्कर न्यूज़ है वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, जिसका आपको मैं जो भी आपको ये न्यूज़ आपको बताने वाला है पूरे यहाँ पे सभी का यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू है और कब से शुरू है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दैनिक भास्कर का यहाँ पे न्यूज़ में दिया गया पूरी न्यूज़। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा पद यहाँ पे आवेदन कब से स्टार्ट है, वो सारी जानकारी है। तो सबसे पहले ऊपर से यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि सरकारी नौकरी BCECEB ने सीनियर रेजिडेंट समेत 1797 रेजिडेंट पदों पर यहाँ पे भर्ती निकली है, जो कि आपको बता दें कि 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बताया गया कि 20 जून तक करें ऑनलाइन अप्लाई। तो चलिए इसके बारे में देख ले। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते पदों की संख्या जो गया 1797, तो आप चौकी नहीं है, मैं आपको उस पर थंबनेल लिखा था 9000 के आसपास में, 9500 के आसपास में था। तो आप इसको देखकर चौकी नहीं, मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से भर्ती निकली, लेकिन टोटल जो गया स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे भर्ती निकली है। और यहाँ पे देख सकते योग्यता जो गया PG डिग्री डिप्लोमा और यहाँ पे आयु सीमा जो गया 37 से 42, आवेदन की जो गया आवेदन की अंतिम तारीख जो गया 20 जून तक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग यहाँ पे PG मांग रहा है, यहाँ पे 12वीं वाला भी पद सब है जो कि 12वीं का साथ इंटर पास है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे पद जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो घबराए नहीं, पहले वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 7 जून यानी कहे तो कल से इसका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू है। इच्छुक कैंडिडेट इसका यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि BCECEBoard.bih.gov.in पर ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट का और इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। वही यहाँ पे 1797 पद है, जो यहाँ पे बताया गया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले कैंडिडेट के पास भारतीय चिकित्सा परिषद PG डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। वही आयु सीमा यहाँ पे बताया गया इन पदों के लिए आवेदन करने वाले जनरल मेल कैंडिडेट की आयु यहाँ पे 37 साल और जनरल फीमेल और OBC पुरुष महिला की आयु सीमा यहाँ पे 40 साल और SC ST की उम्र यहाँ पे 42 साल तय की गई है। यहाँ पे बता दें आपको जो रीत तारीख है, तो ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो तारीख हो गया 7 जून और अंतिम तिथि हो गया 20 जून तक, ऐसे करें आवेदन। तो दोस्तों योग्यता और इच्छुक योग्य इच्छुक कैंडिडेट जो गया सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के लिए जो हो गया ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं, इसके जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो कि आपको बता दें कि इसका लिंक भी इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी पूरी न्यूज पढ़ सकते हैं और उसके बाद इस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। सभी का लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं अगले भर्ती के लिए। ये रहा, अब ये भी रहा दैनिक भास्कर के पेपर में दिया गया सरकारी नौकरी, नेशनल हेल्थ मिशन NHM मध्य प्रदेश ने स्टाफ नर्स समेत 5215 पदों पर निकली भर्ती, जो कि 22 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 22 जून आवेदन की जो आ गया हो गया आखिरी तिथि है। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हो कि नेशनल हेल्थ मिशन के लिए पदों की संख्या यहाँ पे 5215 जो है, यहाँ पे 12वीं पास सिर्फ यहाँ पे मांगा गया है। देख सकते हो यहाँ पे 12वीं GNM BSc नर्सिंग आपको होना चाहिए, आयु सीमा 21 से 40, आवेदन की जो आखिरी तिथि हो गया 22 जून तक। चलिए इसके बारे में थोड़ा डीप में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM मध्य प्रदेश ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्टाफ नर्स के 5215 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस जो हो गया 1 जून से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक कैंडिडेट 22 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 5215 है और यहाँ पे महिला कार्यकर्ता की जो हो गया 2551 है और स्टाफ नर्स के लिए 2664 पद यहाँ पे बताया गया है। तो पूरे यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे भर्ती है, स्वास्थ्य विभाग में पूरे कवर किया है, तो आपको इसको शुरू से लेकर आज तक देखते रहिए। और यहाँ पे तो इनके लिए योग्यता मांगा गया है इन पदों के लिए 12वीं पास GNM BSc नर्सिंग कर चुके कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें, जो कि आयु सीमा वगैरह सब यहाँ पे बताया गया। डेट यहाँ पे 1 जून से 22 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। वही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन करने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। सैलरी यहाँ पे देख सकते हो कि बताया गया है कि सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को हर महीने
12,000 से लेकर 20,000 तक आपको सैलरी दी जाएगी। वही यहाँ पे यहाँ बताया गया कि एप्लीकेशन फ़ी, तो इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट को किसी भी तरह की कोई आवेदन फीस में नहीं लग रहा है। तो जो लोग भी यहाँ पे कोर्स किए हैं, यहाँ पे बताया गया GNM और बारहवीं पास है, तो लोग आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी आपके यहाँ पे आवेदन फीस यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इच्छुक और योग्य कैंडिडेट इन पदों के लिए वाईचुन तक ऑनलाइन आवेदन करें। अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तो ये पूरे जो मैं आपको पढ़ के दिखाया है, इसका लिंक भी आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पे आप क्लिक करते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑफिशियल जो गया इसका न्यूज वगैरह जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो पूरे आपको ये दिखा देगा। तो चलिए मैं थोड़ा इसको बैक करके अब अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा सरकारी नौकरी वाले सेक्शन में, यहाँ पे आया है नेशनल हेल्थ मिशन ने स्टाफ नर्स के 896 पद पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 10 जून आवेदन की आखिरी तिथि है। चलिए इसके बारे में देख लेते क्या दिया गया। तो दोस्तों, जैसे नीचे में आते थे इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM असम ने स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट इन पदों के लिए 10 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट योग्य ये रहा NHM.assam.gov.in, यहाँ पे गवर्नमेंट के यहाँ पे असम के यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे बताया गया है कि इस वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताया गया है कि रिक्वायरमेंट ड्राइव के जरिए कुल यहाँ पे बताया गया है कि 896 रिक्त पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे 896 पद है जो कि योग्यता, इसमें भी यहाँ पे आवेदन करने वाले कैंडिडेट भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नर्सिंग स्कूल संस्थान से पास होने चाहिए, और इसके अलावा BSc नर्सिंग, GNM कोर्स और असम नर्सिंग मिडवाइव्स और हेल्थ विजिटर्स काउंसिल के साथ रजिस्टर होना चाहिए। और यहाँ पे आयु सीमा वगैरह यहाँ पे मांगा गया है 10 जून तक इसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया कि इन पदों के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू सिलेक्शन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट रहा। चलिए अब बात करते हैं अगली भर्ती को लेकर। तो ये रहा 940 पदों पर भर्ती, यहाँ पे बताया गया कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए यहाँ पे 840 पदों पर भर्ती के लिए करें ऑनलाइन, 21 जून तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हो कि हेल्थ मिशन NHM हिमाचल प्रदेश पदों की संख्या यहाँ पे 940, आयु यहाँ पे 45, योग्यता जो है BSc नर्सिंग, आवेदन की आखिरी तिथि जो है 21 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के ये पदों पर भर्ती है, पदों को यहाँ पे बता दिया गया कि कौन कौन सा पद है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करते ग्रीन वाले पर, तो आपको ऑफिसियल नोटिफिकेशन बता देगा। तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दिया हूँ। इसका जो गया ऑनलाइन शुरू होने की आखिरी तिथि जो गया 2 जून से आवेदन की आखिरी तारीख जो है 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2 जून से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, और इसका यहाँ पर बताया गया कि सैलरी, तो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को हर महीने 50,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। तो इच्छुक और योग्य कैंडिडेट इन पदों के लिए तय तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। अब ये रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर ने कर्मचारी नर्स के 254 पदों के लिए मांगे एप्लीकेशन। 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। तो इसके लेकर भी पदों की संख्या 254, आयु जो है 18 से 40, योग्यता जो है GNM BSc नर्सिंग, आवेदन की आखिरी तिथि जो है 15 जून तक है। तो इसके लेकर यहाँ पे बताया गया है पूरे से इसका जो गया आवेदन शुरू जो गया 27 मई से है, और आवेदन की आखिरी तिथि 15 जून तक है। सिलेक्शन प्रोसेस इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट करें, जो कि ऑफिशियल जो है आपको यहाँ पे ग्रीन वाले पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है इसका सैलरी जो गया 28,700 यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। वही यहाँ पे एप्लीकेशन फी 1100 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 900 रुपये है। चलिए अब बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन की। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल ने स्टाफ नर्स के लिए 338 पदों पर निकली भर्ती, 16 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन। तो इसको लेकर भी यहाँ पे देख सकते हो कि गांधी मेडिकल कॉलेज GMC भोपाल पदों की संख्या 378, योग्यता GNM BSc नर्सिंग, आयु 48, आवेदन की जो आखिरी तिथि जो गया 16 जून तक। और यहाँ पे देख सकते हो इसके बारे में भी पूरे यहाँ पे डिटेल्स में बता दिया गया है। और यहाँ पे नीचे में आते हैं तो इसका जो आवेदन शुरू हो गया 28 मई से है, आवेदन की आखिरी तिथि 16 जून तक है। सिलेक्शन प्रोसेस पदों के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। वही सैलरी यहाँ पे बताया गया है कि सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को नियमानुसार सैलरी दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखिए। इसका एप्लीकेशन फी 1200 रुपये रखा गया है जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए कोई भी फीस में नहीं लग रहा है। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। जैसे आप ग्रीन वाले पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं इसका लिंक सभी का लिंक मैं इसी वीडियो में आपको दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। और एक और है, NLC इंडिया लिमिटेड ने हेल्थ इंस्पेक्टर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन, जिसका जो हो गया 14 जून तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आते थे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे NLC इंडिया लिमिटेड ने हेल्थ इंस्पेक्टर और SME ऑपरेटरों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, और इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो चुकी है। और इच्छुक कैंडिडेट इनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा NLCIndia.com पे जरिए यहाँ पे बताया गया कि अप्लाई कर सकते हैं, और इस रिक्वायरमेंट
ड्राइव के जरिए कुल 83 पदों पर भर्ती की जाएगी, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह का है। पदों की संख्या 83, 18 पद हो गया हेल्थ इंस्पेक्टर का जो हो गया, और यहाँ पे बताया गया है कि UR के लिए 10 पद है, EWS के लिए जो हो गया 1 पद है, OBC के लिए 4 सीट है, और SC के लिए 3 सीट है, और इसके लेकर यहाँ पे ये जो हो गया हेल्थ इंस्पेक्टर के, और ये रहा SME ऑपरेटर के लिए 65 पद है, जो कि यहाँ पे पूरे कैटेगरी में बताया गया कितना कितना सीट है। इसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ही पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट को यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 10वीं 12वीं होने चाहिए, और पदानुसार यहाँ बताया गया है कि योग्यता की जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखे। आयु सीमा की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि हेल्थ इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट की उम्र 30 साल होनी चाहिए, वही SME ऑपरेटर के लिए पदों के यहाँ बताया गया है कि पदों के लिए उम्र 63 साल तय की गई है। जरूरी तारीख की बात करते हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो तारीख हो गया 2 जून, और लास्ट डेट हो गया 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल टेस्ट पर क्या यहाँ पर टेस्ट पर आधार पर यहाँ पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखे, और इसका बताया गया है कि सैलरी तो यहाँ पे 38,000 तक यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तो आपको बता दें इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जॉब से रिलेटेड ऐसे ही लेकर आता रहता हूँ, और जितने भी मैं न्यूज़ दिखा सबका यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल। हाँ, जो मैं यहाँ पे बताया था जिला वाइज, तो यहाँ जिला स्तर पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है कि MP में अगस्त से पहले स्कूल खुलना मुश्किल, इस बार जिला स्तर पर होंगे स्कूल से जुड़े फैसले, सरकार एक्सपर्ट्स और संचालकों की क्या राय है, राजनीति यहाँ पर है। तो यही था यहाँ पे बताया गया, इसको पूरा पढ़ने के लिए इसका यहाँ पे लिंक दिया गया है, जहाँ से जाकर उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि तीसरी लहर की आशंका से स्कूल नहीं खुलने पर सब सहमत, हेल्थ एक्सपर्ट और बड़े स्कूल संचालक भी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं, हालात सामान्य होने पर भी सबसे पहले 10वीं 12वीं की क्लासेस शुरू होगी, और पहली बार स्कूल खोलने के लिए आम लोगों से भी राय ले रही है सरकार। तो एक अच्छा खबर, आम लोगों से भी राय ले रही है कि इसको खोलना चाहिए कि नहीं। तो पूरे को यहाँ पर पढ़ने के लिए इसका भी लिंक दिया गया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।